आलसी को मिटाना हो तो हम क्या करें या फिर सुबह जल्दी उठना है हाँ, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठो उठने को तो आपको भी पता ही होगा हाल क्या होता है दस मिनट पांच मिनट करवा टेबल उतने में समय आप मुझे कर... कैसे बोल दिया कि आपको भी पता होगा हाल कैसे होता है गुरु जी आप तो बहुत पहले से जल्दी उठता हूँ आपको तो अनुभूति सब कुछ बहुत पहले से बहुत सुबह जल्दी ही उठता हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सबको लगता है मेरे साथ जो हो रहा है वही उसके साथ भी होता होगा <laughs> यहाँ पर जब से आए हो आप तब तो रात को मैं उस दिन बोला सोने जाओ तो बोल रहे नहीं मैं ध्यान लेंगे हाँ, मैं ध्यान वो, वो मैं करता हूँ बट कभी कभी वो आलस ही आ जाता कि भाई इंद्रियों के वश में चले जाए थोड़ी देर सुकून हो जाए उसके बाद में उठेंगे बट मैं तो उठता तो हूँ पांच बजे उठ ही जाता हूँ एक छह महीने बारह महीने से हुआ है उससे पहले नहीं होता था आलस को दूर करने के लिए कई चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है एक खान पान खान पान ज्ञान का सेवन संग। आपका संग अगर सही है जिस संग से आपको पॉजिटिव एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है तो प्रभावित करेंगे आपको क्योंकि आलस एक प्रकार का असुर आसुरिक वृत्ति है आलस तो वो दूर हो जाएगा तो एक संग से आप प्रभावित होंगे जिसे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे ना वो सुबह दौड़ने जाता है साथ साथ में रहता है ये कुछ कर रहा है तो इसके अंदर में भी वहाँ से एक एनर्जी रिसीव होती है ये भी वैसा करना चाहता है जैसे संघ अगर चेंज होता है तो धीरे 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 एनर्जी का एक्सचेंज होने लगता है एक संघ से आपका आलस दूर होने का है एक खान पान से खान पान जितना सात्विक आहार लेंगे क्योंकि राशिक आहार से चंचलता बढ़ेगी तामसिक मीट मछली जितने इससे भी आलस उत्पन्न होता है सात्विक डाइट लेंगे और कम खाना पड़ता है खाना कम जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा दिन तक आपका शरीर लास्ट करेगा जीवित रहेंगे और रात को आहार मिनिमम एकदम थोड़ा सा खाए जल्दी खाए कभी भी नौ दस बजे ना खाए सात साढ़े सात आठ बजे के पहले खा लें खाने के बाद करीबन करीबन एक से डेढ़ घंटे के बाद बिस्तर पे जाएं आप देखेंगे सुबह आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी उठने को भी जल्दी मन करेगा जब अगर रात को दस साढ़े दस ग्यारह बजे खा के सोएँगे तो सिस्टम इतना काम करता है कि सुबह आलस ऑटोमेटिकली आ जाता है ब्रेन में उठने को मन नहीं करता है आप जल्दी खा लेंगे तो सुबह भी जल्दी सिस्टम उठा देगा क्यों उठाएगा कि प्रत्येक शरीर का एक स्लीप का कोटा है द आवर्स ऑफ द स्लीप का कोटा होता है स्लीपिंग आवर्स का कोटा आपका आठ घंटा हो सकता है आपका छः घंटा हो सकता है उनका दस घंटा हो सकता है उनका तीन घंटा हो सकता है किसी का दो घंटा हो सकता है तो वो स्लीपिंग कोटा जो ब्रेन में कंडीशनिंग हो गई है वो उतना पूरा नहीं होगा तो आप पूरा ना हुआ और उठ गए तो दिन में आपको लेथर्जिक महसूस होगा तो वो स्लीपिंग कोटा जरूरी है पूरा करना तो आप अगर व्यवस्था के विपरीत थोड़ा काम करेंगे बारह बजे साढ़े ग्यारह बजे पूरा भर पेट ये वो खा लिया तो उठने में आपको आलस होगा देर से उठना तब तो मैं कहूँगा आपको देर से ही उठना चाहिए स्लिप के कोटा को पूरा करना चाहिए सिस्टम को रेस्ट में रखना चाहिए शरीर को भी रेस्ट चाहिए तो रेस्ट में आपको रखना पड़ेगा इसको तब आठ नौ बजे आपको उठना है अगर इधर सात साढ़े सात बजे खा लेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बिस्तर पर शरीर कितना देर तक पड़ा रहेगा आपको जल्दी सुबह चार बजे तीन बजे पाँच बजे उठ प्रयोग किया जा कम खाया जाटोमेटिक उठना स्टार्ट कर देंगे तो ये दो दो चीज़ें अभी गई तीसरी चीज आपको जब आपके अंदर एनर्जी हाई होता है हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एन एनर्जी होता है तो नींद की जरूरत नहीं होती है ज़्यादा क्यों वाई डू यू स्लिप अब स्लीप भी एक प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रत्येक जीव नींद में जाता है देहधारी जीव अब ये चेयर नींद में नहीं जाता है वाई डू यू स्लीप स्लीप इज अ वे टू गेट एनर्जी वाई डू यू टेक अ रेस्ट रेस्ट इज अ वे ऑफ रिलैक्स रिलैक्सेशन वाई डू यू नीड द रिलैक्सेशन बिकॉज रिलैक्सेशन ऑल्सो इज द वे ऑफ गेटिंग एनर्जी हम रेस्ट ले रेस्ट करते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलती है रिलैक्सेशन में रहते हैं तब भी, भी एनर्जी मिलती है नींद में जाते हैं तभी भी एनर्जी मिलती है और वह नींद में अगर स्वप्न रात भर देखे तो फिर एनर्जी आपको नहीं मिलेगी सुबह उठोगे तो देखोगे थोड़ा सा गड़बड़ी है क्योंकि स्वप्न में आप देखोगे उसमें चलेगा ब्रेन में तो भी आप उससे कनेक्ट होकर स्वप्न की कॉन्शियसनेस में आ गए ड्रीम कॉन्शियसनेस में आ गए तभी भी वो एनर्जी नहीं मिलेगी सो स्लीप से हमें एनर्जी मिलती है प्रत्येक सेल जो है एनर्जाइज्ड हो जाता है तो स्लीप से आपको ऑक्सीजन जो है अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको प्रत्येक एनर्जेटिक एनर्जी के लेवल बढ़ाने के लिए उसकी सीक्रेट क्या है कि आपके प्रत्येक सेल एनर्जाइज होना पड़ेगा <laughs> तो द सीक्रेट ऑफ एनर्जी ऑफ योर सेल इज़ ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन पूरे एनर्जाइज होना पड़ेगा ये हम अभी नीचे वाले बात कर रहे हैं आपको हम अभी सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी और स्पिरिट एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल की बातें तो कहाँ कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल सकता है इसको हमें देखना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा एस पानी सफिशियंट वाटर लेना पड़ेगा उसमें ऑक्सीजन की लेवल है तो आपको फिर अपने शरीर की प्रकृति को देखना पड़ेगा मेरे शरीर में सेवेंटी टू एट्टी परसेंटेज मान लो सेवेंटी फाइव परसेंटेज तो पानी है अरे पानी है अर्थ पृथ्वी पर वही है वन थर्ड पानी है यहाँ भी, भी वही है चार में से तीन हिस्सा पानी है तो मेरा खाना भी वाटर बेस्ड होना पड़ेगा सेवेंटी फाइव परसेंट सूखा तो खा नहीं सेवेंटी फाइव परसेंट छाँस लो वाटर लो फ्रूट लो वाटर बेस्ड होना पड़ेगा जो सिस्टम जैसा है उसी के उसी तरह से मैच करना पड़ेगा आप उसके विपरीत करोगे तो विपरीत चीज़ें होगी इच्छाएँ एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी बट एक्शन से मैच नहीं करेगी फिर वो तो उस तरीके का आहार से हमें कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है इससे बहुत सारे जैसे चना है उसको भिगो वहाँ से फिर अंकुरित हो रहा है स्प्रॉट हो रहा है तो इस तरीके से ऑक्सीजन कहाँ से आ सकता है पूरी आपको अपने डाइट पे ध्यान देनी है फ्रूट वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्या क्या साग सब्जियाँ ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाओ आप कच्ची चीज़ खाओ आप कि ऑक्सीजन की मात्रा मिले जब एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो आलस नाम का चीज़ नहीं रहेगा आलस जब एनर्जी गिर जाता है एनर्जी ख़त्म होता है तो आलस आता है ये जब आपने ठीक ठाक कर लिया अब ये देखना है कि हर रोज़ अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं प्राणायाम करते हैं 15 से 20 मिनट तक तो मेरे शरीर के अंदर आप जाके डॉक्टर से मेजरमेंट करवा लीजिए खुद प्रैक्टिकली दूसरे का बात मत सुनिए तो मेरे अंदर ऑक्सीजन की लेवल कितना बढ़ जाता है आप जनरली सांस जब लेते हैं तो 500 हंड्रेड टू वन थाउजेंड ऑक्सीजन का मात्रा रहता है जब आप प्रणायाम कर लेते हैं तो यही साब स्टेंसली फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड एम ऑक्सीजन आपके अंदर में बढ़ जाता है और साथ में अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लिया जॉगिंग कर लिया जिमिंग कर लिया योगा कर लिया तो और भी आपके अंदर बहुत एनर्जी पूरी भर जाती है जब एनर्जी पूरी रहती है तो नींद की मात्रा कम हो जाती है आपको नींद की जरूरत नहीं है ज़्यादा फिर नींद कम होने लगता है अब तब तो आपको बहुत सख्ती एनर्जी आएगी उसमें अगर प्रॉपर डाइट प्रॉपर योगा प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर सब कुछ ले रहे हैं सबके साथ प्रकृति आपकी प्रकृति और ये प्रकृति के साथ जब आप सिंक्रोनाइज होने लगे सही राइट मेथड में, में आकर तो धीरे धीरे आपका ध्यान में भी अगर उतरने लगे जब ध्यान से ध्यान की तो ऐसी है कि हम बिना खाए पिए कम से भी बहुत एनर्जी यहाँ से कंज्यूम कर लेते हैं प्रकृति से भी बाद में ऐसी एनर्जी उतरती है कि एनर्जी की कमी नहीं होती है बहुत एनर्जी होती है अब इसका मतलब नहीं है कि एनर्जी इतनी है तो हमें सोना नहीं है शरीर भी एक व्हीकल है इसको रेस्ट में रखना पड़ता है ज़्यादा दौड़ाएंगे इसे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी जैसे ये गाड़ी है एनी टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स दौड़ाएंगे तो क्या होगा इसकी अवस्था कम दौड़ाएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी तो ये आपकी गाड़ी है अब कैसे रखना है ये आप जानो आपकी गाड़ी आपको सिगरेट देना है दारू देना है क्या देना है इट इज़ योर चॉइस ईंट पत्थर कंकड़ डालना इट इज योर चेस अभी जैसे मांसाहारी अभी तक के रिसर्च में जितने मांसाहारी जो होते हैं कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा वो निकले हैं सबसे ज्यादा मांसाहारी निकले हुए उसके बाद जो दूध दही डायरी प्रोडक्ट्स खाते हैं सेकेंड में उनका लेवल है थर्ड में ही ये साग सब्जी खाने वाला बहुत मिनिमम में होता है और जब साग सब्जी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक बायोफोटन्स नाम की तत्व है वह बायोफोटन्स मीट मछली खाने वाले के कम हो जाता है मंद बुद्धि होने वाले बहुत बहुत कम होता है जो अगर बहुत हर रोज़ खाते हैं उनके वो चीज़ ही कम हो जाता है प्रकृति के साथ कनेक्ट होने के लिए अगर वो भी महीना में एक दो बार लेता है तो बैलेंसिंग में चला जाता है वो भी बहुत आगे निकल जाता है कभी कभी तो इस तरीके से बायोफोटन्स जो है वो बहुत बढ़ जाता है जो प्रॉपर सही डाइट लेते हैं तो कम से कम एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के अनुसार ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड बायोफोटन्स उसके ऐसे रहते हैं कि प्रकृति के सूक्ष्म एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है समझता है सीक्रेट्स को जानता है और ऐसे खाने वाले महिलाओं में पाया गया है एंड उसके जो एम्ब्लिकोड है बच्चे का तो इतने टॉक्सिनस और इतने उसके अंदर एम्ब्लिकोड से बच्चे के अंदर प्रवेश करते हैं कि वो एंड्रोका एंड्रोकनीसन्स और समथिंग एक तत्व है उसका मैं अभी निकल रहा है इस तरीके से उसके नेगेटिविटी और इतने पोल्यूटेड होकर वो बच्चे पैदाशी से ही उसके अंदर ये शरीर में माँ के आहार से ही उस तरीके से वो बनता है और जाके बुद्धि विचार काम काज सब कुछ प्रकृति में अलग हो जाता है उसका कि तो ये आहार से पूरे समाज की उत्थान समाज की सुव्यवस्था और आध्यात्मिक उत्थान सब इंटरकनेक्टेड है ये सब इंटरकनेक्टेड है तो ये सब चीज़ प्रॉपर ढंग से जैसे ही कनेक्ट करेंगे आलस नाम की चीज़ जाएगी आपको धीरे धीरे लेकिन नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा फिर ये एक साल पहले मेरा वो जो नहीं था वो सब कुछ था जैसे चेंजेस आया छह बजे अपने आप खुल जाता रहे तो बाद में 5 बजे का आया तो वो कैसे अंतर आया वो थोड़ा समझ नहीं अपने आप आ जाता है अंतर एनर्जी हाई होती है तो अपने आप आ जाता है नींद गायब हो जाता है तो बहुत कम हो गई एनर्जी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना बड़ा लेंगे आप उतनी एनर्जी आएगी और जो जितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जैसे घर में के मेंबर्स होंगे जिन जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा अपने पूरे पूरा परिवार का कहाँ से खाना है कहाँ से पिलाना है कैसे कपड़े लाने हैं कैसे मैनेज करना है क्या ट्रीटमेंट क्या वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं घर में चाहे वो माता ही हो या वो पिता ही हो वो काम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे गेट लॉक करना ये करना जल्दी उठना क्योंकि उन्होंने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के रखा है तो उनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वही अगर पूरे गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो उसके अंदर पूरे गांव को संभालने के लिए एनर्जी आती है वही अगर गांव नहीं डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए ले ले कोई डीसी को बना दिया जाए तो डीसी को देखोगे कि, कि वो भी बहुत कम सो रहा है बहुत सारे कागज़ पत्रों मैनेजमेंट उसके रूटीन चेंज हो गया है खाने पीने करने के लिए एकदम योगा सब एक्टिव उसके अंदर उस लेवल की एनर्जी आने लगती है वही अपने स्टेट के रेस्पॉन्सिबिलिटी ले 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 बोल रहा हूँ दिया जाना नहीं अगर डीसी बन भी गया लिया नहीं है तो नहीं आएगा ले ले मतलब वो लेगा तब आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट गिवेन इट इज टेकन जहाँ गिवेन है वहाँ पर उन्नति नहीं होती है काम नहीं है लोग बोलते काम कैसे नहीं है विश्व में इतना काम पड़ा हुआ तुम ले लो हर जगह तो काम ही है तुम तो ले लो लेकिन लोगों को लगता है मुझे काम दे और पैसा दे तुम काम करो पैसा तो बायोप्रोडक्ट है पेड़ तो लगाओ काम तो करो पेड़ बड़े होंगे फल मूल तो जरूर लगेंगे अगर वो पूरे देश का ले रहा है तो उसके अंदर में शक्ति देश को संभालने की होती है और ज्यादा सब 24 घंटा उसके लिए भी है और ठेले पे जो सब्जी बेच रहा है जो चना बेच रहा है उसके लिए भी 24 घंटा ही है वो अपने चना को घर पे ख़रीदता है भाजता है बोतल में कंटेनर में भरता है लाता है दिन भर 24 घंटा उसी में व्यस्त रहता है सब्जी बेचना वाला 24 घंटा उसके इसी में जाता है और कोई ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है चौबीस घंटा उसको वहीं पर जाता है उसके पास भी चौबीस घंटा उसके पास भी चौबीस घंटा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया जिसके वजह से हर चीज़ के उसके एनर्जी के लेवल्स खुलते चले जाते हैं ब्रह्मांड और किसी ने पूरी जगत विश्व कल्याण के लिए जब लेता है तो उसके अंदर में ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है उसके पास में लेकिन लोग ही नहीं हाय मेरा 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 तो आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो सिर्फ अपनी उठने की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप दूसरे की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे हाउ कैन यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अदर्स ंग फ्रिक्वेंटली टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी एंड माइंड अर कभी कभी खुद का नहीं लो तो ना सामने वाला के मजबूरी में लेना पड़ता है तो खुद एक्टिव हो जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो आप किसी भी तरह से लेना पड़ता है हुं? बहुत बात होगी ये तो आम बात है ये तो कोई भी YouTube वीडियो वीडियो कहीं से भी सीख लोगे आप लोग आजकल तो हर जगह है ना ये सब छोटी छोटी बातें ये भी हो आप मुझसे बुलवाओगे तो कैसे होगा आप लोग उठो दौड़ भाग करो अभी <clears throat> तीन चार बजे उठो दस किलोमीटर दौड़ो हमारे अंदर कभी कभी ऐसी एनर्जी होती है ऐसा लगता है कि कभी दस किलोमीटर दौड़ के आए तो शरीर जो है ना वो कहता है ना, ना। और बिने जी है ना उनके अंदर भी एनर्जी इतनी हाई रहती है कि वो कभी थकते ही नहीं है इसी रूप में दिखते हैं और खाना उनका देख कर इस बार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लेकिन खाना ही नहीं खाते हैं शायद बॉडी थोड़ी सी ले रही खाना नहीं खाते हैं जब से देखा हूँ इतना से खाना रात को तो एकदम इतना से सुबह तो सिर्फ फ्रूट थोड़ा सा लेंगे पानी पीते नहीं हमारे घर पर जैकर दो चार दिन रह के आए थे तो हम पानी पिलाते थे गुरु में पानी पानी भी नहीं पीते ऐसे ही रहते हैं और जर्नी में जाओगे बड़े बड़े ट्रॉली ऐसे ही खींच के लेके चलते सामने पीछे वाला बहुत बहुत दूर छूट जाता है, आगे निकल जाते अब बुलाते भी नहीं है मेरे पीछे आओ बोल के सीधे चल जाते। आना है तो आओ निगाहें रखो <laughs> <laughs> कभी ऐसे ढूंढना पड़ता है आपको <laughs> <laughs> एनर्जी इस तरीके से आ जाती है बहुत आ जाती है ठीक है